नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला में क्रिसमस डे के दिन प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ व तोड़ने के विरोध में अंबाला कैंट के लोगों ने पैदल कैंडल मार्च निकाल रोष प्रकट किया। इस मौके पर ईसाई धर्म के लोगों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें शामिल हुए। ये पैदल कैंडल मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ अंबाला के ऐतिहासिक होली रिडीमर कैथोलिक चर्च तक निकाला गया। चर्च के बाहर जहां प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया था, वहां पर लोगों ने कैंडल जलाई और प्रार्थना की। इस मौके पर अंबाला पुलिस भी मौजूद रही ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईसाई समाज के लोगों द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में ये शांति प्रिय कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो होली रिडीमर कैथोलिक चर्च तक निकाला जाएगा। सर, आज प्रदर्शन कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारी जीजस की मूर्ति को तोड़ दिया था उसके अंदर में। इसलिए ये हमारा क्रिश्चियन समाज है। कल एक चर्च में घटना हुई थी, उस घटना के विरोध में ये लोग एक शांति प्रिय कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ये वहाँ चर्च तक जाएंगे। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये कैंडल मार्च शांति प्रिय तरीके से निकले तो इस कैंडल मार्च को भी सुरक्षा प्रदान हुई और मैं खुद इस कैंडल मार्च के साथ। सर, इसके विषय में एक्चुअली हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हम ये कैंडल मार्च शांति प्रिय तरीके से ही निकाल रहे हैं ताकि हमारे कारण कोई भी दूसरा मंदिर डिस्टर्ब ना हो, और हम ऐसे रूप से जा रहे हैं जहाँ पर रास्ता बिल्कुल ईजी है, इसलिए ताकि जैसे बाइबल हमें बताती है कि जैसे हम शांति प्रिय लोग हैं, हम एक अराजकता को फैलाना नहीं बल्कि इन बातों को ना ख़त्म करना अपने देश में से। तो हमारी तो ये थोड़ा सा रोष प्रदर्शन हमारा है कि थोड़ा सा भाई हमें सही तरीके से न्याय मिले, आगे को ऐसी कोई हरकत ना, बड़ी शर्मनाक। आगे सराफा बाजार से होके, राय मार्केट से होके,